हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिसेस शैलजा मिगलानी फ्रॉम इंडस पब्लिक स्कूल कैथल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम द लैंड ऑफ द काउंटर पेन। दिस इज़ ए पोएम विच इज़ रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। ये जो पोएम है उसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय द पोएट When he was sick as a child, means वो मोस्टली एज ए चाइल्ड वो बीमार रहते थे और ये जो पोइम है वो उनकी उसी इंस्पिरेशन से लिखी गई है। मीन्स वेन एवर ही वॉज सिक एज ए चाइल्ड ही रोट दैट दिस पोइम। द पोएट इज सेइंग दैट वेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, कि जब मैं बीमार था एंड बेड पर था, आई हैड टू पिलोज एट माई हेड, मेरे पास टू पिलोज थे मेरे हेड के पास, एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले, और मेरे पास जो टॉयज थे वो भी मेरे पास में ही रहते थे, टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे। मीन्स दोज टॉयज गिव हिम कंपनी व्हेन ही वाज सिक एज ए चाइल्ड, एंड इन हिज इमेजिनेशन ही यूज टू गेट ओवर हिज बोर्डम एंड प्लेज हैप्पीली विद हिज टॉयज द ओल्ड डे होल डे। मीन्स जो भी टॉयज उनके पास अवेलेबल थे या जो भी पिलो उनके पास थे ऑन द बेड, जो पोएट हैं उनकी कंपनी का एंजॉय करते थे, एंड ही यूज टू प्ले विद देम ऑल द डे विच गिव्स हिम हैप्पीनेस, जिससे उनको खुशी मिलती है और वो उनके साथ प्ले भी करते थे ऑल द डे। इन द सेकेंड स्टैंजा, एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो आई वॉच्ड माई लीडन सोल्जर्स को। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट वॉचिज हिज टॉय सोल्जर, वो अपने टॉय सोल्जर को वॉच करता है फॉर अबाउट एन आवर। ही इमेजिन्स देम इन डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, और उनको इमेजिन करता है कि वो उन्होंने अलग अलग कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एंड ड्रिल्स, एंड दे वर डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइज। ड्रिल्स का मतलब कि अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन हिज इमेजिनेशन He believes that his pillows became hills. वो बिलीव करते हैं कि उनके जो pillows हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए हैं, hills में, and his sheets were transformed into plains or flat land. जो उनके pillows हैं वो hills में change हो गए हैं और जो sheets हैं वो plain और flat land में convert हो गई है। And sometimes sent my ships in fleets all up and down among the sheets, or brought my trees and houses out and planted cities all about. In the third stanza, the poet imagines his bed to be a sea. वो imagine करता है कि उसकी जो bed है वो एक sea की तरह है, and the folds of his sheets, जो sheets हैं, folds of the sheets हैं, वो एक waves की तरह है। वो means वो imagination में अपने मानता है कि जो उसका bed है वो एक समुद्र की तरह है, और जो sheets में मतलब जो चादर है उसके अंदर जितने भी folds हैं वो किसकी तरह है, waves की तरह है, लहरों की तरह है। He set up his ships in fleets, means वो अपनी जो ships है उनको किस में set करता है, group में set करता है, and down the waves, and imagines them to go up and down the waves, और imagine करता है कि वो जो ships हैं वो up and down movement हो रही है उनमें। Then he imagines setting up trees and houses to form cities, उसके बाद वो imagine करता है कि जो भी। In the next stanza, the poet is saying that I was the giant great and still that sits upon the pillow hill and sees before him dale and plain, the pleasant land of counterpane. In the last stanza, the poet calls himself a giant. वो कहता है कि मैं एक giant हूँ, because in comparison to him, क्योंकि उसके साथ जो comparison करता है वो अपने toys का, वो उसके toys क्या लगते हैं उसको, बहुत small लगते हैं, मतलब उसको लगता है कि मैं तो giant हूँ और उसके जो toys हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा small हैं, जो कि उसके pillow के पास हैं। And sees before him dale and plain, the pleasant land of counter pain. ऐसा लगता है कि जो टाइम है दैट इज़ इवनिंग टाइम, एंड द पोएट इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज द होल डे। बाय नाउ उसको ऐसे लगता है कि ही मस्ट बी टायर्ड, एंड ही सिट्स ऑन हिज पिलोज विच ही इमेजिन्स टू बी अ हिल एंड लुक्स एट द ब्यूटिफुल सीन बिफोर हिम, मतलब उसके सामने जो भी वैली और फ्लैट लैंड का ब्यूटिफुल सीन है वो अपने सामने उनको इमेजिन करता है, देखता है the hills and the valleys and the plains which he has created using his
टॉयज, मतलब उसने जो भी अपने टॉयज हैं उनको यूज़ करके जो भी बनाया है उसको वो इमेजिन करता है। मींस लास्ट स्टैंजा में पोएट इमेजिन करता है कि दैट ही इज़ अ जियांट और उसके टॉयज जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं और उनके साथ भी वो बहुत हैप्पी फील करता है। इट इज़ मतलब जो भी सीन है वो उसकी आंखों के सामने, चाहे वो वैली हो, फ्लैट लैंड का हो, उन सब की इमेजिनेशन करता है एंड ही फील्स दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम द लैंड ऑफ द काउंटर पेन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यू हैव टू रीड दिस एंड नोट डाउन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स।